व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। टॉपिक चल रहा है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद में हम लोगों ने हाई कोर्ट को डिटेल में देखा। आज हम थर्ड टायर सिस्टम यहां पर देखने वाले हैं कोर्ट का, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हाई कोर्ट के नीचे हैं और सारी देखरेख इनकी हाई कोर्ट करता है, तो इसलिए इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जा रहा है। इन कोर्ट्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में आज जानने को मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कवर कर चुके हैं, हाई कोर्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इनको बोला जाता है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जब हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम कवर किया था, उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से पहले सेंटर पे काम चलता है, फिर स्टेट पे चलता है, और नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर आप लोग ग्राउंड लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं। एक साइड में यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, और गांव की बात करें तो यहाँ पर पंचायत आ जाती है। ये सिस्टम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां पर भी थ्री टायर सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला था, यहाँ पर भी थ्री टायर सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। टू टायर ऊपर के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब थर्ड टायर में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर अब इसमें देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कई तरीके कोर्ट आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पावर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर है। ठीक है, क्या यहाँ पर सबऑर्डिनेट होते हैं, सेशन कोर्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं, तो कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर मोटा मोटा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिविल कोर्ट देखने को मिलेंगे, जो सिविल्स मैटर को लेते हैं। यहाँ पर रिवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, शादी विवाह से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, ये सारे आप लोगों के सिविल कोर्ट्स के अंदर आते हैं। क्रिमिनल कोर्ट आप लोग जानते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, किसी का मर्डर वगैरह कर देता है, चोरी वगैरह करता है, तो ये सारे मैटर आप लोगों को क्रिमिनल कोर्ट में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर रिवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर है, यानी कि टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर है यहाँ पर, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर आप लोगों को लैंड वगैरह से रिलेटेड कोई मैटर है, उसका रिवेन्यू हो गया, वो सारे मैटर्स आप लोगों को रिवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दूसरे तरीके से अगर इनका आप लोग यहाँ पर अगर देखना चाहिए, इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट की जब बात की जाती है, सबसे पहले तो यही पता है आप लोगों को, हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। पूरी देखरेख यहाँ पर हाई कोर्ट करता है, तो इसलिए इनको सबऑर्डिनेट कहा जाता है। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, ठीक है। अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? यहाँ पर जो जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। किसके साथ में? कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके। तो होल सोल अथॉरिटी इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को देखने को मिलेगी हाई कोर्ट, इसीलिए पूरा मैटर यहाँ पर इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। आखिर डिफरेंस क्या आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे आप लोग नीचे को चलेंगे एक हायरार्की बन जाती है, वैसे वैसे आप लोगों को पावर भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कुछ पावर है, उसके बाद में हाई कोर्ट में कुछ डिफरेंट पावर नजर आएगी, और फिर नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं इनमें डिफरेंट पावर नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को एक पावर में डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा हायरार्की में, जब आप लोग इसको देखेंगे। हमारी कंट्री में ये इंटीग्रेटेड है, अगर बात करें यूएसए की तो वहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहां पर एक फेडरलिज्म की जुडिशरी चलती है। स्टेट के लेवल पर उनकी हाईएस्ट कोर्ट रहता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें सेंटर में तो सुप्रीम कोर्ट को अपलेट कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि नीचे से मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कहां पर रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बात कहां पर की जाती है। तो आर्टिकल 233, ठीक है ना, 233 से आप लोगों को देखने को मिलेगा, 237, ठीक है, 237, 233 से 237, पार्ट किसमें, पार्ट 6 में आप लोगों को देखने को मिलेगा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में। सारी बातें यहां पर दे रखी है, क्या क्या प्रोविजन होते हैं, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी यहां पर इंश्योर किया जाता है इन आर्टिकल के तहत, क्योंकि जब जब यहां पर बात आती है एग्जीक्यूटिव की, तब तब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो फिर ये इम्पार्शियल फंक्शन करेंगे और किसी भी फेवर में डिसीजन अपना दे सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी जुडिशरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे सेंटर की बात कर लीजिए और चाहे नीचे ग्राउंड लेवल की बात कर लीजिए, हर एक लेवल पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी होना बड़ा जरूरी है, इसलिए अलग से मेंशन किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव के साथ में इनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ओके, ये बातें यहां पर मेंशन की गई है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए। अब लेक्चर आगे चलने वाला कैसे है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट हम लोगों ने देख लिया, अब इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा यहां से आगे। एक तो आप लोगों को सिविल साइड देखने को मिलेगी, जो मैंने आप लोगों को अभी बताए, जो भी यहाँ पे डिवोर्स या शादी से रिलेटेड इस तरीके मैटर्स अगर आते हैं, जो सिविल कोर्ट के मैटर आप लोगों को होते हैं। ट्रिपल तलाक का इशू कितने दिनों से चल रहा है आप लोगों ने उसके बारे में भी सुना होगा, यही बात बोली जा रही थी उस टाइम पर भी कि तलाक का इशू जो है वो एक सिविल साइड का इशू है, पर लेकिन वहां पर बात बोली जा रही थी कि उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में ला दिया था अभी, ठीक है ना, जो अभी आप लोगों ने देखा उसके ऊपर प्रोविजन चल रहा है। तो जो अभी बिल है वो अभी एक्ट बनने वाला है आगे, तो उसके ऊपर पूरा फोकस यही चल रहा है कि है तो वो सिविल पर उसको आप लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में ला रहे हैं अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा डिफरेंस उसमें समझ सकते हैं। तो यहां पर सिविल साइड के कोर्ट रहेंगे अलग, और यहां पर क्रिमिनल साइड के कोर्ट रहेंगे अलग, और यहां पर भी दो तरीके के होंगे,
डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा और सेशन बोला जाएगा। ये सारी डिटेल आप लोग आगे देखने को मिलेगी, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, कहाँ पर यहाँ पर सेशन जज होगा, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मुंसिफ देखने को मिलेगा और यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट देखने को मिलेंगे। तो थ्री लेवल का कोर्ट आप लोगों को यहाँ पर इसके लेवल में देखने को मिलेगा। ऊपर हम लोग देख सकते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, नीचे हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आप लोगों को सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी यहां पर आप लोगों को तीन सेशन देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्रिमिनल और इसके बेस पे क्या क्या डिफरेंस यहां पर होता है। आगे चल के आप लोगों कई तरीके और मैटर यहां पर नजर आएंगे, अभी देखना पूरा आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी जैसे जैसे आगे लेक्चर चलने वाला है। ओके, आइए पहले समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। अगर बात की जाए इनकी अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट की बात कर लो, चाहे इनकी पोस्टिंग की बात कर लो, प्रमोशन की बात कर लो, ये सारा काम कौन करता है? गवर्नर। किसके साथ में कंसल्ट करके? हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखेगा। सेकंड बात की जा रही है इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर देखा जाए यहां पर तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए, किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये काम न करते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इसको एडवोकेट मतलब किसी भी तरीके से इसको 7 ईयर का आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक एक्सपीरियंस टाइप का होना चाहिए। अगर 7 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, एडवोकेट, एडवोकेट यहां पर आप लोग वकील, इसको प्लीडर भी बोलते हैं, दोनों ही बड़ी याद रख सकते हैं आप लोग। यहां पर एडवोकेट या कहीं पर प्लीडर लिखा हुआ जाए, इसको भी वकील बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो 7 ईयर का यहां पर एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, ही शुड रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के द्वारा रिकमेंडेड किया जाना चाहिए, मतलब गवर्नर के हाथ में अपने आप में पावर नहीं है कि वो खुद जाकर यहां पर आकर इसको अपॉइंट कर सकता है। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कंसल्ट करना हाई कोर्ट के साथ में, हाई कोर्ट ही अपील करेगी भैया इसको अपॉइंट कर दीजिए। तो ये मैटर देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कई बार इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं आप लोगों को, इस लेवल पर भी जुडिशरी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये तो बात होगी यहां पर जज को अपॉइंट करने की, अब ये थोड़ी ना जज ही जज होंगे वहां पर, और भी कई सारे सर्विस में यहां पर पर्सन आप लोगों को दिखाई देंगे जो वहां पर देख रेख करते होंगे, प्यून वगैरह भी आप लोगों को वहां पर दिखाई देगा, टाइपिंग वाले भी वहां पर दिखाई देंगे, कई तरीके का स्टाफ वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा वहां पर। तो उस स्टाफ को किस तरीके से यहां पर अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर आफ्टर द कंसल्ट, किसके साथ में कंसल्ट करता है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऊपर पूरा लेक्चर में ले चुका हूं आप लोगों को, यूपीएससी के बारे पढ़ाया था, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे पढ़ाया था, फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे पढ़ाया था, तो ये सारे लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूं। जिसने ये लेक्चर नहीं देखे नीचे जाकर सारे देख सकता है, लगभग पॉलिटी हमारी एंड पॉइंट पर पहुंच रही है। ठीक है, तो सारे लेक्चर लगभग आप लोग देख चुके हैं, इनको रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, और तीसरे हो गए यहाँ पर हाई कोर्ट। ऊपर अगर जज को अपॉइंट करना है तो हाई कोर्ट पिक्चर में रहेगा ओनली, पर लेकिन अगर स्टाफ को अपॉइंट करना है जो सर्विस के अंदर यहाँ पर जुडिशियल स्टाफ को, तो यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पिक्चर में आ जाएगा हाई कोर्ट के साथ में। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी आप लोग कंफ्यूज होकर बोल देगी बस हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करना है, वो जज की बात की जा रही है, अदर देन जज अगर कोई होगा तो उसके साथ में यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पिक्चर में आ जाएगा, जिस भी स्टेट में अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। कंफ्यूजन नहीं होना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लियर रखना है माइंड में कि क्या क्या बातें यहां पर चल रही हैं। और बाकी अगर बात की जाए यहां पर कंट्रोल की, तो वो भी आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, यहां पर कंट्रोल किसका रहता है, हाई कोर्ट का रहता है। कहां पर पोस्टिंग करना है, कहां पर प्रमोशन करना है, वो सारी बातें जब देखने को यहां पर मिलती है, वो पावर यहां पर हाई कोर्ट के अंदर आती है। ठीक है ना, पोस्टिंग परमिशन जो सर्विस कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो आप लोगों को हाई कोर्ट के अंदर बातें यहां पर दिखाई देंगी। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जरा सा आप लोगों को यहां पर डिफरेंस नजर आएगा, इसको थोड़ा फोकस से सुनिएगा। बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट जज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हाईएस्ट जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास में दोनों पावर होती है, ओरिजिनल पावर भी होती है, मतलब यही मैटर सुनेगा कुछ, तो अपलेट पावर भी होती है, मतलब नीचे वाला अगर कोई कोर्ट यहां पर कोई बात सुन रहा है तो उसको ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लेके आया जा सकता है। तो दोनों ही पावर आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी। यहां पर दो तरीके के मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिविल मैटर भी और यहां पर क्रिमिनल मैटर भी। सिविल और क्रिमिनल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा, डिफरेंस क्या नजर आएगा, आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एक बोलते हैं सेशन जज, आखिर इनमें क्या डिफरेंस है। अगर सिविल मैटर है, शादी ब्याह से डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर है, उसका केस अगर कोई जज सुनता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ध्यान से सुनिएगा, सिविल मैटर से रिलेटेड अगर कोई केस सुन रहा है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है अगर सिविल मैटर है तो। यहां पर अगर क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हो जाती है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, उसको कोई सुनता है तो उसको बोलते हैं सेशन जज। फिर से बता रहा हूं, सिविल मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा, क्रिमिनल को उसका नाम चेंज करके सेशन जज बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या बात है यहां पर, नेक्स्ट बात यह है कि जुडिशियली, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर आप लोगों को यहां पर इसमें देखने को मिलेगी, जो कि यहां का डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर अगर बात की जाए तो।
इसके अलावा सुपरवाइजरी करेगा जो भी नीचे वाले कोर्ट हो जाएंगे, यहां पर सबोर्डिनेट इसके नीचे जो कोर्ट आएंगे, सबोर्डिनेट कोर्ट का मतलब यही होता है कि नीचे वाला कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे वाला कोर्ट, अगर ऊपर वाला कोई है उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है ना सिस्टम में, तो सबोर्डिनेट कोर्ट इसके नीचे जो भी कोर्ट होंगे वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुपरवाइजरी ये करेगा। पर लेकिन जब बात आती है यहां से आगे की, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है यहां पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तो उसके खिलाफ यहां पर ऊपर जा सकता है, वो अपील कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट, अगर यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रहा है, कहां पर, हाई कोर्ट में। बिल्कुल वैसे है जैसे पहले बताया था, अगर हाई कोर्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहां पर जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये बातें मैं बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पर एक बात और आती है निकल के, ये क्या बात निकल के आती है, सेशन जज की अगर बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि क्रिमिनल वाला सेशन मैंने बात की थी, कौन सा, क्रिमिनल वाले अगर मैटर की बात आती है, तो यहां पर इतनी पावर इसमें होती है डिस्ट्रिक्ट जज में कि ये यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है, मतलब पूरी लाइफ जेल में भी रख सकता है और यहां पर कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा फोकस आप लोग दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नॉर्मली ये लगता है कि ऐसे सेंटेंस नहीं दे सकता है, ये दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी ये दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, जो सेशन जज यहां पर होता है। पर लेकिन कंफ्यूजन क्या होना चाहिए आप लोगों को, यहां पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में जो मैं बोलूंगा, ये सेशन जज जो होता है ये यहां पर डेथ सेंटेंस दे सकता है, पर लेकिन वो डेथ सेंटेंस कंफर्म करेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बिना कंफर्म किए हुए वो डेथ सेंटेंस आगे नहीं माना जाएगा, वो डेथ सेंटेंस इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और हाई कोर्ट से कंफर्म करना अनिवार्य है, चाहे कोई हाई कोर्ट में अपील करे, मतलब जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया, एक तो उसने मान लिया कि हाँ मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया, कहानी खत्म हो गई, एक होता है आगे अपील करता है हाई कोर्ट में, ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील करे चाहे ना करे, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं यहां पर कि यहां पर कैपिटल पनिशमेंट इसको दे तो दिया है, इसके हाथ में पावर, पर लेकिन कंफर्मेशन ऊपर वाला कोर्ट करेगा यहां पर, क्योंकि डेथ की बात आती है, लाइफ की बात आती है, जिसके ऊपर पूरा सिस्टम हमारी कंट्री में चल रहा है, अगर लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा। तो इस तरीके से इसको थोड़ा समझ के चलिएगा, जब बात आती है इसको ऊपर करने वाली बात थोड़ी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऊपर वाले कोर्ट में अपील की जाती है फिर, ठीक है, अपील करे चाहे ना करे, फिर से बोल रहा हूं, अपील करे चाहे ना करे, कंफर्मेशन हाई कोर्ट से निकाल के लेके आना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, पहले तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा हम लोगों ने अभी, डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट, ठीक है, इसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके सबोर्डिनेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो तरीके के सिस्टम फिर यहां पर देखने को मिलेगा, कोर्ट ऑफ सबोर्डिनेट जज जो कि सिविल मैटर को सुनेंगे, ठीक है, कोर्ट ऑफ सबोर्डिनेट जज जो कि सिविल मैटर को सुनेंगे, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि क्रिमिनल मैटर को सुनेंगे, जिसको वहां पर सेशन जज, सेशन कोर्ट बोला जाता था, इसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके नीचे वाली जब बात आएगी यहां पर, यहां भी आप लोगों को हायरार्की देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आप लोग सुनते रहते हैं, पर नीचे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा आराम से बता रहा हूं। जब बात आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, सेशन जज बोलते हैं यहां पर, जो कोई क्रिमिनल मैटर सुनता है, सिविल मैटर सुनता है, तो ये बोलते हैं, इनके नीचे भी सबोर्डिनेट में होता है, कहां पे होता है सबोर्डिनेट में, वो मैंने आप लोगों को यहां पर अभी दिखाया था, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाले मैटर की बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं यहां पर सबोर्डिनेट जज कोर्ट, और यहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऊपर तो ये वाला हो गया डिस्ट्रिक्ट और सेशन, इसके नीचे सबोर्डिनेट ये वाला हो गया, अभी तीसरे नंबर का और आएगा, इनमें पावर में डिफरेंस होता चला जाता है। तीसरे नंबर पहले अभी आप लोग सेकंड नंबर का देख लीजिए, फिर हम लोग तीसरे नंबर पे चलेंगे। सेकंड नंबर पे क्या बात चल रही है यहां पर, अगर बात आती है, देखिए आप लोगों को दो तरीके के मैटर देखने को मिलेंगे यहां पर इस लेवल पर, इसका पूरा फोकस क्या रहेगा यहां पर, सबोर्डिनेट वाला जो मैंने बात की यहां पर, सबोर्डिनेट जज यहां पर रहेगा, इसका पूरा फोकस यहां पर पिक्यूनरी मतलब धन संबंधी मैटर रहेगा, जो यहां पर लैंड से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, वो वाले मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि सिविल आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर सिविल साइड हो जाएगी इसकी। जब बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब बात की जाएगी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रिमिनल केस यहां पर हैंडल करेगा, पर लेकिन एक बात आप लोग याद रखनी है, पनिशेबल देश यहां पर पनिश दे सकते हैं, पनिश जो इंप्लीमेंट किया जाएगा ये ओनली 7 ईयर तक का कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, हाँ हम लोगों ने देखा था लाइफ टाइम डेथ सेंटेंस तक दे सकता है, पर लेकिन यहां पर ओनली 7 ईयर तक की पावर इसको दे रखी है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये आप लोगों को हायरार्की देखने को मिले जो मैंने आपकी दिखाई। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं, ये थर्ड लेवल हो गया, यहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सारे जज रहते हैं, अभी गांव के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, अभी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बात की जा रही है। नीचे आप लोगों को सिविल साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ सिविल साइड में देखने को मिलेगा, और जब बात की जाती है यहां पर दूसरी साइड में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। थोड़ा बात करते हैं तीसरे की, तो यहां पर आप लोगों को पावर में और डिफरेंस नजर आएगा।
जब सिविल साइड की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मुंसिफ। जब क्रिमिनल साइड की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, चीफ कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुंसिफ होता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिविल केसेस होते हैं, जो स्मॉल पेक्यूनरी आप लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे, धन संबंधी जो छोटे केसेस होते हैं, बड़े केस नहीं है, छोटे लेवल के जो धन संबंधी केस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पनिशेबल दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। टर्म क्या रहेगी, 3 साल रहेगी, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है 7 साल रहेगी, यहां पर 3 साल हो गई है। ओके, एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूं, 3 तरीके के कोर्ट हो गए यहां पर। ये तो हो गया कौन से वाला, सिविल साइड वाला, ये हो गया क्रिमिनल वाला। सिविल वाले को डिस्ट्रिक्ट जज यहां पर बोला जाता है, यहां पर सेशन जज बोला जाता है। नीचे थोड़ा चलेंगे तो यहां पर सबोर्डिनेट बोला जाता है, सबोर्डिनेट जज कोर्ट, यहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे, यहां मुंसिफ बोला जाता है, यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहुंचा जाता है। यहां पर 7 साल का ये एक तरीके से सजा सुना सकता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर क्रिमिनल साइड में आता है। ठीक है, और यहां पर ये 3 साल का सुना सकता है। तो ये यहां पर इनकी पावर में डिफरेंस होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये बातें आप लोगों को तीन लेवल की यहां पर पता होनी चाहिए। देखिए, एक लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहां पर, ये आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, पर लेकिन कुछ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना, मुंबई हो गया, आप लोगों को कलकत्ता देखने को मिलेगा, इसके अलावा चेन्नई हो गया, कुछ बड़ी बड़ी जो सिटी बन जाती है जिनको महानगर बोलते हैं। एक तो नगर हो गया, दूसरा महानगर हो गया। तो महानगर में थोड़ा मैटर आप लोगों को अलग दिखाई देगा यहां पर, ठीक है, उनके लिए उसको आप लोगों को थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी यहां पर देखने को मिलेगी, ये आप लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहां पर देखेगा। थोड़ा सब मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर जो सिटी सिविल कोर्ट होते हैं वो सिविल साइड के मैटर जज जो सुनते हैं उनको चीफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना, चीफ जजेस बोलते हैं उनको। ओके, और जो यहां पर मेट्रोपॉलिटन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो क्रिमिनल साइड की चीजें सुनते हैं, यहां पर कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन उनको देखने को मिलता है, मतलब इनको तो सिटी सिविल कोर्ट देखने को, इनको बोलेंगे सिटी सिविल कोर्ट और इसको बोलेंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा नोमन क्लेचर में, मतलब जब बड़ी बड़ी सिटीज हो जाती है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी, सिविल साइड में भी और क्रिमिनल साइड में भी। तो यहां पर आप लोगों को अलग लेवल की यहां पर थोड़ी व्यवस्था बनाई जाती है ताकि उन मैटर्स को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। तो इतनी ज्यादा हायरार्की आप लोगों को देखने को यहां पर मिलती है। इसके ज्यादा अगर आप लोग नीचे चलेंगे पंचायत के लेवल पर, तो नायब पंचायत आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अलग अलग नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग एरिया में पुकारी जाती है। ठीक है, तो यहां पर कई कई तरीके यहां पर नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या क्या नाम है, यहाँ पर नया पंचायत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ग्राम कचहरी हो गया, कचहरी आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में, ठीक है, इसके अलावा अदालती पंचायत हो गया यहाँ पर, इसके अलावा पंचायत अदालत हो गया, कई तरीके के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला पूरा सिस्टम किस तरीके से हमारी कंट्री में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। आगे के लेक्चर में फिर आप लोगों को कई तरीके इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, ग्राम के बारे में, जो ग्राम के न्यायालय होते हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी उनके बारे में जो कि यहाँ पर जिनका मतलब बहुत गरीब इंसान होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बहुत गरीब इंसान होते हैं, मान लीजिए वो कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटी ले ही नहीं सकते हैं, उनके लिए भी अलग से फैसिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करार रखी है। हालांकि ये थोड़ी लेट हुई थी, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई ताकि जो इंसान यहां पर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते, जिनके पास में मनी नहीं है, उनको भी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 3 तरीके कोर्ट हम लोगों ने यहां पर देखे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम लोग नीचे घुसेंगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा 3 तरीके के लेवल का। ठीक है, एक तो हम लोगों ने यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट देखा, सेशन भी 3 लेवल में डिवाइड था, यहां पर सिविल साइड में हो गया, क्रिमिनल साइड में हो गया, तो इसमें सबोर्डिनेट जजेस हो गए, यहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, यहां पर मुंसिफ कोर्ट हो गया, इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। आगे चल के आप लोगों को यहां पर देखने को मिला किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है, जो जजेस होती है उनकी अलग अपॉइंटमेंट की जाती है, कौन, गवर्नर और हाईकोर्ट मिलकर करते हैं, पर लेकिन जो स्टाफ होता है वहां पर गवर्नर, हाईकोर्ट और एक अलग से ऐड हो जाता है क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला तीनों लेवल पर अलग अलग हमसे डिस्कशन करा हम लोगों ने, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है, अपलेट जुडिक्शन क्या होती है, किस तरीके से यहां पर मैटर देखने को मिलती है, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं, ये सारी हम लोगों ने जानने को मिली यहां पर। ये सारी टोटल में हम लोगों ने डिटेल में यहां पर डिस्कस किया और फिर मेट्रोपॉलिटन यहां पर कोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, मॉर्निंग में मिलता हूं पहले नैनो मैगजीन के साथ में। तो एंजॉय करते रहिए, चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, अगर लेक्चर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी मत किया कीजिए। ओके, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलती है और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल सकता है अगर आप लोगों को नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को सेव कीजिए और नए पेड़ पौधे लगाते रहिए और प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।